हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। वो शेयर ना बहुत काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है, तो उससे रिलेटेड एक्चुअली लोग वीडियो भी नहीं बनाते और बताते भी नहीं है, और वो केवल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड आपको मिलेगा, तो इसलिए ज़्यादा लोग उसके बारे में जानते भी नहीं होंगे। फिर भी उससे बारे में बातें करेंगे। आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आइए, बट बिफोर दैट हम सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, ओके, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे डेली बेसिस पर, शेयर बाजार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। एज वेल एज नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दे रखे हैं, एक आपका अकाउंट ओपन कराने के लिए, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा, किसके साथ, एंजल ब्रोकिंग के साथ। एज वेल एज नीचे एक और लिंक दे रखा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ श्री राम जी का मंदिर बन रहा है अयोध्या में। इस लिंक पर क्लिक करके इनकी वेबसाइट पर आप जाइएगा और वहाँ पर आप अपनी इच्छानुसार जो भी चाहे वो डोनेट कर सकते हैं और एक पुण्य काम में मदद कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि किस तरीके से उस कंपनी में इन्वेस्ट करने पर, ओके, तो आप मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो वीडियो थी बजाज होल्डिंग, जो कि बजाज फिनसर्व एज वेल एज बजाज ऑटो का जो शेयर है उसमें हिस्सेदारी रखती है, तो जब जैसे जैसे बजाज ऑटो बढ़ेगा, ओके, जैसे जैसे बजाज फिनसर्व बढ़ेगा, तो वैसे वैसे वो कंपनी के पास पैसा आता रहेगा और वो कंपनी ग्रो होती रहेगी, बजाज होल्डिंग, ओके। ऐसी ही एक कंपनी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ओके। ये 1395 रुपये का शेयर है, ओके, आपको गिरता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 डेज का चार्ट पैटर्न, 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, ओके। शेयर कंटिन्यूसली आपको थोड़ा नीचे की तरफ गिरता हुआ नज़र आएगा, लगभग 5%। अगर बात करें हम 6 मंथ का चार्ट पैटर्न, तो देखिए 1142 रुपये का शेयर किस तरीके से कितना 1573 तक गया, उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। ये कंसोलिडेशन पीरियड है, आपको बताना चाहता हूँ। और अगर हम यहाँ पर देखें, ये कंपनी कंसोलिडेट करती हुई आपको नज़र आएगी, और ये यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर जब मार्केट क्रैश हुई थी तो ये शेयर कितने रुपए तक आ गया था, ये शेयर आ गया था 900 रुपए तक, ओके, ज़्यादा। और फिर विद इन फ्यू मंथ, ओके, अगर बात कर जाए विद इन फ्यू मंथ, 3 मंथ्स के अंदर अंदर इसने फिर 67% के रिटर्न दे दिए थे। तो ये वो कंपनी होती है, ओके, जो गिरती तो फास्ट है बट रिकवर करने की हमेशा हिम्मत रखती है, ओके। उसके बाद ये देखिए कंसोलिडेशन फेज ही इसका चलता आ रहा है, ओके। अगर बात की जाए यहाँ पर, यहाँ आप देख सकते हैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न है, यहाँ पर देखिए 147 रुपीज़ का शेयर हुआ करता था, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए स्मॉल कैप कंपनी है तो इससे ज़्यादा हम उम्मीदें नहीं रख सकते, बट लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट अगर करके चलते हैं और थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे अगर इस कंपनी में करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कुछ रीज़न है जो कि मैं आगे बताऊँगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए ये 2009 में जब ये कंपनी आई थी, ओके, 147, और तो उसके बाद ये कंपनी 3000 तक गई है, लगभग कितना 1800% के रिटर्न्स कह सकते हैं, ओके। यहाँ पर अगर हम देखें तो लगभग कितना 2700-2800% 2800 रुपीज़ तक ये यहाँ पर गई थी, फिर उसके बाद यहाँ पर गिरना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि जिससे रिलेटेड कंपनियाँ मैं नाम दिखा देता हूँ, ये है बंगाल एंड असम कंपनी लिमिटेड। तो ये कंपनी क्या करती है, ये देखिए इनकी वेबसाइट है, तो ये यहाँ पर लिख रहा है द कंपनी इज़ एन इन्वेस्टमेंट कंपनी एंड इज़ ड्यूली रजिस्टर्ड इन एज एन NBFC विद RBI, ओके। तो ये क्या कंपनी है, ये है इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होता है, मतलब ये अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखती है और वहाँ से जो डिविडेंड आता है, वहाँ से जो इंटरेस्ट आता है, ओके, तो उसमें ये कंपनी अपने आप को ग्रो करती है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर ये देखिए ये कंपनी है, ओके, कौन सी है, यहाँ पर देखिए बंगाल एंड असम कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पर देखिए इस कंपनी का, देखिए मेन चीज़ देखिएगा, ये कंपनी का जो बिजनेस है ना, किस किस कंपनी में इसने इन्वेस्ट कर रखा है, देखिए JK एग्री जेनेटिक, कितना 67.42% की हिस्सेदारी इसने ले रखी है बंगाल एंड असम में, JK ने ले रखी है JK एग्री में।
जेके लक्ष्मी सीमेंट आपने नाम सुना होगा 44% की हिस्सेदारी, जेके पेपर 47, जेके टायर 52% की हिस्सेदारी, पीपल इन्वेस्टमेंट उदयपुर सीमेंट में तो अभी उन्होंने ख़त्म कर दी है, उमंग डेयरी उसमें 55% की हिस्सेदारी। तो मतलब आप जान रहे हैं, आप देखिए इतनी सारी कंपनीज़ में इसने अपनी हिस्सेदारी ले रखी है और कोई थोड़े बहुत शेयर्स नहीं ले रखे, इसने कंपनी लगभग आधे आधे 50-50% की हिस्सेदारी इस कंपनी ने ले रखी है। और सारे आप जानती है जेके लक्ष्मी सीमेंट किस तरीके से भाग रहा है, जेके टायर किस तरीके से भाग रहा है, तो आपको सब कुछ पता ही है। अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं एक चीज़, यहाँ पर मार्केट कैपिटल है 1592 करोड़ रुपये का। 1592 करोड़ मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो डिस्क्लेमर यही है कभी भी इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया करते। और ये कंपनी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, भागती भी तेज़ है गिरती भी तेज़ है, जो कि आप यहाँ पर चार्ट पैटर्न से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके, क्या भागी थी, फिर उसके बाद गिरावट भी देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये गिरावट, यहाँ पर देखिए ये गिरावट, ये गिरावट, यहाँ से ये गिरावट, फिर ऊपर गई, फिर नीचे देखिए ये गिरावट, तो ये गिरावट भी काफ़ी अच्छी खासी गिरावट है, कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और 1739 रुपये 24 सेंट को ये चल रहा था, तो उस लेवल पर अभी भी ये कंपनी दूर है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, जो बात कर रहे थे बुक वैल्यू, इसका बुक वैल्यू है कितना, 3033 रुपये का बुक वैल्यू, और कंपनी किस पर चल रही है, केवल 1300 और 1400 रुपये की रेंज पे ये कंपनी चल रही है। तो देखिए अपनी बुक वैल्यू से ना अभी भी आधे से भी कम है, आधे से भी कम ये अपनी बुक वैल्यू पे चल रही है, तो ऐसी कंपनी को एक्यूमुलेट करना चाहिए। और अगर बात की जाए, देखिए 1592 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जेके एग्री, ओके, तो जेके एग्री की वैल्यू कितनी है, 281, कितने परसेंट के शेयर है इसके पास, 67। अगर हम बात करें 281, तो यहाँ लगभग लगभग कितना होता है, लगभग 160 करोड़ रुपये यहाँ पर मान के चलिए। एज़ वेल एज़ बात करें यहाँ पर जेके लक्ष्मी सीमेंट की, तो जेके लक्ष्मी सीमेंट में 44% के शेयर है, ओके, लगभग 50 यहाँ पर 5000 करोड़ की कंपनी है। तो ये अगर यहाँ पर बात करें हम कितना, तो यहाँ पर लगभग 2000 करोड़ रुपए यहाँ पर निकल के आते हैं, तो 2000 करोड़ प्लस में कितना, 150 करोड़, कितना हो गया, 2150-2200 करोड़ रुपये के लगभग। अगर बात करें यहाँ पर जेके सीमेंट, जेके पेपर की, तो 47% के शेयर है, तो जेके पेपर की वैल्यू कितनी है इसका, 2558, तो इसकी भी आधा हम करेंगे तो लगभग होता है 1200 करोड़ रुपए, ओके, यहाँ पर 1200 करोड़ और ऐड कर दो तो लगभग वहाँ पर 3400 करोड़ रुपए हो गया, ओके। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जेके टायर की, तो जेके टायर में 52% की शेयर होल्डिंग है, तो इसका आधा सीधे कर दीजिए 1500 करोड़ रुपए, तो यहाँ पर 3400 और 1500 कितना, 5000 करोड़, तो यही हो गया। अगर बात करते हैं पीपल्स इन्वेस्टमेंट में, तो ये तो छोटी सी कंपनी है, इसे नेगलेक्ट कर दे तो उदयपुर में भेज दिया है। और ये भी उमंग डेयरी केवल 136 करोड़ की है, तो यहाँ पर हिस्सेदारी कितनी है, तो यहाँ पर हिस्सेदारी है 55% की, लगभग आधे यहाँ पर कर देते हैं, आधे यहाँ पर कर देते हैं, तो कितना हो गया, लगभग 70 करोड़ रुपए के लगभग यहाँ पर हो गया, तो लगभग 5000 करोड़ रुपए ये टोटल बन के जो आ रहा है ना, ये 5000 करोड़ रुपए बन के आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि इस कंपनी का मार्केट वैल्यू कितना है, 1592, और ये कंपनी होल्ड कितनी कंपनी में जो कर रही है, अगर टोटल कंपनीज के शेयर की बात करें तो 5000 करोड़ रुपए की कंपनी ये शेयर कर रही है, तो इस शेयर की जो कंपनी की कीमत है 1592, बट इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 5000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अभी की मार्केट वैल्यू के हिसाब से है। तो आप खुद सोच सकते हैं, अगर यहाँ से 3 गुना किया जाए, 1535 होता है, ओके, लगभग 3 गुना मार्केट कैपिटल है, और इस शेयर को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ओके, लगभग 4000 रुपीज़ का जो आज का वैल्यू है ना, इस तरीके से निकल के आता है। अगर ये कंपनी सब कुछ बेच देती है ना, तो आपके हिस्से में ना एक शेयर के बदले लगभग 4000 रुपये आपके हिस्से में आएंगे, तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ये कंपनी का काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्कोप नज़र आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हो। और बाकी चीज़ तो सेल्स देख लीजिए, अच्छे खासे सेल्स बढ़ते हुए नज़र रहे हैं। सेल्स क्या है, सिंपल सा इन्वेस्टमेंट ही आई थिंक होगा, कंपनी तो इन्वेस्ट करती है तो सेल्स क्या होगा। एक्सपेंस की बात की जाए, तो कंपनी ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ उसने जगह ले रखी होगी, ओके, ऑफिसेज वगैरह में भी, प्रॉपर्टी में भी खर्च करता है, एम्प्लॉयज़ भी होंगे, तो उस चीज़ का एक्सपेंस भी ये कंपनी करती है।
अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो इस बार का दिसंबर का नेट प्रॉफिट 225 करोड़ रुपए था। अगर बात की जाए प्रॉफिट एंड लॉस में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही सेम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पिछले 12 महीनों में 10,144 करोड़ रुपए का एक्सपेंस भी उसी तरीके से हुए। नेट प्रॉफिट फिर भी देखेंगे तो 367 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा खासे लेवल पर यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व्स भी काफ़ी अच्छे हैं, 3415 करोड़ रुपये के। बोरिंग वही बोरिंग है जो लोगों से पैसे लेके इन्वेस्ट करते हैं, ओके, तो वही एक तरीके की बोरिंग होगी और कुछ अलग से बोरिंग तो होगी नहीं। तो वही कितना 5417 करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर बोरिंग। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट कितना है, कैश इक्विवेलेंट यहाँ पर देख लीजिए 267 करोड़ रुपए का कैश इक्विवेलेंट, और कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट 2227 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लगिए 1500 करोड़ रुपए के लगभग कैश फ्लो है। अच्छा खास आरओसी ही 9% ही है केवल, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग 72.66% है, जो कि ये डिफरेंट यहाँ पर आपको नजर आएंगे लोग जो HNI से। अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर DIS के पास 1.8 है, पब्लिक के पास 25.42 है, उनमें से भी देखिए इन लोगों ने ले रखी है हिस्सेदारी लगभग 3% की। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 22% की हिस्सेदारी अभी भी पब्लिक के पास नज़र आती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को दिखाने के लिए ये कंपनी मैंने चूज़ करी, तो आपको बताया था कि ये जो कंपनी की वैल्यू है, यहाँ से अगर मार्केट कैपिटल ये सारे शेयर बेच देती है, जेके टायर उसमें सब चीज़ में बेच देती है, लगभग 5000 करोड़ रुपए आएंगे। तो 5000 करोड़ रुपए जब यहाँ पर बटने शुरू हो गए ना, तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, लगभग 400 रुपये 4000 का एक शेयर आपको पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ये कंपनी को चूज़ कर सकते हैं, ये इसका मतलब है। और बाकी ये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता ऐसी कंपनी में, बट थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके आप अगर रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, कंपनी वॉलेटाइल आपके सामने है। और बाकी कुछ भी आप इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की स्टडी एज वेल एज अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछ लीजिएगा। ये मेरी स्टडी थी जो मैंने आपको बता दी कि ये किस तरीके से कंपनी अट्रैक्टिव नज़र आती है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए, खुद की स्टडी करिए, उसके बाद ही फैसला करिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट करिएगा, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें एज वेल एज बेल आइकन को हिट करें, ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि हमारा ये चैनल और ग्रो होने में मदद कर सके। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।